हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने सीजीएल का जो ये स्टार्ट किया है रिवीजन का बैच, मैं आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, अब जीके का जो टर्म है आप हमको दे दीजिए, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। मतलब कि जब तक ये आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ले मैं आपको ये क्लास चलाऊंगा। ये देखिएगा, आप मैं लेकर आया हूँ आपका पॉलिटी का, पॉलिटी में आपको जो भी आपका टॉपिक बाय टॉपिक जो बनेगा ना, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान समझिएगा, 52 से लेकर के 62 तक हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति देखिएगा, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका जो कहाँ जिक्र किया गया है पार्ट 5 में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, सबका रिवीजन करवाऊंगा। आप लोग पेशेंस रखिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए और जो चीज़ें आप लोग के पास नहीं हैं उस चीज़ों को नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हिस्ट्री का दे दिया हूँ, ये आपका पॉलिटी का है और ज्योग्राफी का भी, मतलब कि एक दिन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों का जो है मैं आपको जो है रिवीजन प्रॉपरली करवाऊंगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो, चलिए चलते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति का कौन से पार्ट में दिया हुआ, पार्ट 5 में दिया हुआ, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 52 से लेकर 62 जो आर्टिकल है इसमें जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और कौन सा आर्टिकल क्या क्या बताता है हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत में जो है एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 52 कहता है ये जो होते हैं ये हेड ऑफ इंडिया होते हैं, ये इंडिया का जो हेड होते हैं, इंडिया का हेड अगर पूछा जाएगा तो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगर मतलब कर्ता धर्ता कौन होते हैं, मतलब कि मेन हेड कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, काम करने वाले हेड होते हैं, पीएम होते हैं। और नाम मात्र का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ये राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ठीक है, तो पीएम का जिक्र किया गया आर्टिकल 75 में। ठीक है, जैसे जैसे आते जाएगा मैं वैसे वैसे बताते जाऊंगा आपको। आर्टिकल पीएम का कितना में दिया, 75 में दिया हुआ। ये आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 में क्या कहा गया, आर्टिकल 53 में कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि 7 प्रकार की शक्तियों का विवरण दिया गया है, मतलब कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां, किस किस तरह की शक्तियां हैं, कौन कौन से तरह की शक्तियां दी गई है ये कहा गया। मतलब राष्ट्रपति की शक्तियां का विवरण दिया गया आर्टिकल 53 में दिया गया है, 7 प्रकार की शक्तियां हैं। आगे हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते मैं चला जाऊंगा। ठीक है, 7 प्रकार की शक्तियां हैं। ये क्या है, हेड ऑफ ऑल आर्मी, मतलब जितने भी आर्मी है आपके, चाहे जल सेना हो गया, चाहे थल सेना हो गया, चाहे वायु सेना हो गया, सभी का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि तीनों सेनाओं का हेड जो है कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 53 में कहा गया। आगे चलते हैं, आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब कि इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के बारे में जो है, चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 कहता है। अब इनकी इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, इनके इलेक्शन में क्या हम और आप भाग ले सकते हैं, नहीं भाग ले सकते हैं। इनके इलेक्शन में कौन भाग लेता है, तो पार्लियामेंट से समझते हैं ना, संसद में जो है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। संसद जो है, संसद 3 चीज से बनता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति का ही चुनाव है, तो राष्ट्रपति का चुनाव है तो राष्ट्रपति तो खुद नहीं वोट डालेंगे, है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड जो मेंबर होंगे, जिनको क्या किया, चुन कर जो जाते हैं, जो चुन करके जनता जो है चुन करके भेजती है, लोकसभा एमपी, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो क्या होते हैं, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर जो है भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड। और विधानसभा के सदस्य, जो भी विधानसभा के सदस्य हैं वो भी इलेक्टेड, ये भाग ले सकते हैं। और कौन भाग ले सकते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, ये जो दो यूटी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए जो है इसमें भाग ले सकते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड, विधानसभा के जो भी सदस्य है वो इलेक्टेड, है ना। उसके बाद जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो है एमएलए हैं ये भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, और वो भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। अगर नॉमिनेटेड हो जाएंगे तो ये तो सपोर्ट तो करेंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि नॉमिनेटेड कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करेंगे ना, तो नॉमिनेट करेंगे तो राष्ट्रपति, तो इनके साथी में इलेक्शन में तो भाग नहीं लेंगे वो, मतलब इलेक्टेड भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड भाग लेते हैं इसमें, चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा के सदस्य, इलेक्टेड, चाहे दिल्ली पुदुचेरी के एमएलए हो। ठीक है,
ये इलेक्टेड होते हैं। आगे चलते हैं, आर्टिकल 55 क्या कहता है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है, चुनाव की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर चुनाव कहा गया है, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया है। 54 में चुनाव है, 55 में चुनाव की प्रक्रिया है। ये चुनाव की प्रक्रिया जो है, चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड संविधान से लिया गया है। आयरलैंड भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो है, ये जो है ब्रिटेन के लोगों के द्वारा लाया गया था। अब उसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो आर्टिकल है उठा करके रख दिया गया था उसमें जो है, और भी चीजें जो है दूसरे देशों के संविधान से जो लिया गया है। तो इसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो है, ये कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है, तो आयरलैंड जो देश है वहां से जो है, वहां के संविधान से जो है इसको अडॉप्ट किया गया है, है ना, चुनाव की प्रक्रिया। अब चुनाव होगा कैसे, है ना, तो एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय पद्धति के माध्यम से जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। अब आगे क्या होगा, इसमें 50 प्रस्तावक विधायक जो है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो है जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके सपोर्ट में जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए, मतलब कि 50 विधायक का सपोर्ट उसके पास होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति के लिए धन दावेदारी हो सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। 50 प्रस्तावक होने चाहिए। आगे और क्या होना चाहिए, तो 1500 रुपये सिक्योरिटी मनी उसके पास होना चाहिए। 1500 रुपये सिक्योरिटी मनी जो है वो आरबीआई के पास उसका जमा करना होगा, सिक्योरिटी मनी के रूप में उसको जमा करना होगा, आरबीआई के पास जमा करना होगा, ठीक है, कहाँ, आरबीआई के पास। अब जो है अगर ये 1/6 मतलब पूरे वोट का अगर 1/6 भी अगर वोट नहीं लेकर आएगा वो, तो उसकी जो है सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। जो भी सिक्योरिटी जमा किया है 15,000 रुपया जो इसकी सिक्योरिटी जो है जब्त कर ली जाएगी, है ना, 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000 रुपया इसकी सिक्योरिटी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग, 55 देख लिए, 56 चलते हैं। 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, राष्ट्रपति जो है कितने साल तक रह सकते हैं, तो 5 साल तक लिए कहा गया है। राष्ट्रपति कोई भी अगर चुने जाएंगे तो कितने साल तक रह सकते हैं, तो 5 साल तक ये रह सकते हैं। और इसमें 56 में और क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को किसी तरह से अगर इस्तीफा देना हो, अपना पद उसको छोड़ना हो, उनको छोड़ना हो, तो ये जो है उपराष्ट्रपति को, जो भी उपराष्ट्रपति होंगे उनको जो है ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। 56(2) में ये कहा गया है। आगे ये कहा, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना, मतलब कि राष्ट्रपति को अगर हटाया जाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाना होगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, इम्पीचमेंट लाया जाता है, ठीक है, वो संसद में लाया जाता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हम लोग इम्पीचमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बताया गया है, सिर्फ इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। 57 में चलते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब कि राष्ट्रपति जो है कितनी बार भी चुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या एक बार चुने जा सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, नहीं, हुए जब तक चाहे तब तक ले वो राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है। 57 आर्टिकल में कोई सीमा नहीं दी गई कितने बार वो राष्ट्रपति के पद जो है धारण कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या कोई भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं, उसकी एक सीमा दी गई, उसकी एक योग्यता दी है कि भारतीय होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड 35 वर्ष, कम से कम 35 साल जो है उसकी आयु होनी चाहिए, वर्ष होनी चाहिए, मतलब कितना साल होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। दिवालिया ना हो, मतलब वो किसी तरह से कंगाल ना हो, दिवालिया का मतलब होता है कंगाल, कंगाल ना हो मतलब कि, है ना, अच्छा से अच्छा खासा हो। लोकसभा के मेंबर अनिवार्य हैं, गवर्नमेंट पोस्ट कोई भी नहीं होनी चाहिए, उसके पास कोई भी गवर्नमेंट जो है पोस्ट नहीं होनी चाहिए, मानसिक सही हो, उसका दिमागी हालत जो है पूरी तरह से सही हो, है ना, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है। आर्टिकल 59 में क्या कहा गया है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफिस की जो शर्तें हैं ये बताया गया, क्या क्या शर्तें हैं, शर्तें क्या क्या है, ना, प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट होने से पहले, प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने से पहले, प्रेसिडेंट होने से पहले, शपथ लेने से पहले, वो क्या हो सकती है, वाइस गवर्नर भी हो सकते हैं, गवर्नर भी हो सकते हैं, सीएम भी हो सकते हैं, मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरह से अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू है, इससे पहले वो क्या थी, वो सीएम थी झारखंड की सीएम थी द्रौपदी मुर्मू थी। जब वो शपथ ग्रहण की तो उनका जो पहले वाला जो था पद था वो जो है रद्द हो गया, हटा लिया गया, ठीक है। वही कहा गया है 59 में कहा गया है कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, शर्तें क्या है कि अगर जो है अगर वाइस प्रेसिडेंट हो या वाइस गवर्नर हो, गवर्नर हो, सीएम हो, मिनिस्टर हो, अगर कुछ भी होते हैं प्रेसिडेंट, कुछ भी बन जाते हैं, उससे पहले जो रहते हैं वो वाला पद धारण करते ही, मतलब राष्ट्रपति का पद धारण करते ही पूर्व पद रद्द हो जाते हैं, ये 59 में कहा गया है। 60 में कहा गया ओथ,
शपथ दिलाने की बात कही ये 16 शपथ है ना, तो कौन शपथ दिलाएगा इनको, इनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको शपथ दिलाएंगे है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या राज्य के, नहीं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाएंगे, कौन किनको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। ये तो था किसमें, 60 में था, 60 में और कहा गया है, 61 में कहा क्या कहा गया है, 61 में महाभियोग कहा गया है, महाभियोग मतलब कि हटाने की प्रक्रिया, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, यहाँ से भिन्न किया गया है ना, यहाँ पर पूरी तरह से एक आर्टिकल दिया गया 61 महाभियोग हटाने की, इम्पीचमेंट जो है हटाने की प्रक्रिया बताया गया है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना, किन मतलब कि कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो राष्ट्रपति और महाभियोग चला सकता है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हो, संविधान का उल्लंघन करते हो किसी तरह से, तो वो जो है ना महाभियोग की प्रक्रिया उनके उन पर चलाई जाएगी, संसद में लाए जाएंगे, संसद की कोई भी मतलब कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में जो है इनके खिलाफ जो है बिल जो है लाया सकता है इम्पीचमेंट का, ठीक है। और दोनों सदन में मतलब चाहे पहले लोकसभा में कर दिए या फिर उसके बाद राज्यसभा में किए, या पहले राज्यसभा में डालें उसके बाद जो है लोग समझ जाएगा, तो दोनों सदनों से कितना 2/3 बहुमत से पास होने चाहिए, जो बिल पास जो बिल गया है 2/3 बहुमत जो है जितने भी सदस्य हैं है ना, जो भी सदस्य उपस्थित हैं सबका 2/3 बहुमत जो है से पास होना चाहिए, तब जाकर के है ना आगे यह कार्रवाई होगा। और क्या कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति को हटाएंगे उनसे 14 दिन पहले, मतलब कि हटाने से पहले 14 दिन पहले जो है उनको इत्तला दिया जाना चाहिए, मतलब उनको बताया जाना चाहिए कि हाँ आप पर जो है इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, आपको हटाने प्रक्रिया चल रही है, 14 दिन पहले उनको बताया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपको, 61 में कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया बताया गया है, और 62 में कहा गया है वैकेंसी के बारे में, मतलब वैकेंसी मतलब कि वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी मतलब होता है अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उनकी जगह पर कौन कौन आ सकते हैं, चाहे और किस किस कारण से खाली हो सकता है, या तो उनकी क्या होती है, या तो वो रिजाइन दे सकते हैं, रिजाइन देंगे तो खाली हो जाएगा, या फिर इम्पीचमेंट हो सकता है, मतलब कि है ना ये जो है आपका महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा ये पद, है ना, डेथ हो सकते हैं या फिर लीव हो सकते हैं, छुट्टी हो सकता है, या बीमार पड़ सकते हैं, अगर किसी कारण से अगर जो है मतलब वैकेंस होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है इनका जो पद, तो इनकी जगह कौन आएंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट होंगे, या फिर अगर ये नहीं होंगे तो कौन होंगे, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है टेम्प्रोरी जो है राष्ट्रपति बनते हैं 6 महीने के अंदर, है ना, 6 महीने के लिए बनते हैं, और 6 महीने के अंदर जो है क्या हो जाना चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का, नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए, ठीक है, 6 महीने के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रेसिडेंट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आपको हो गया होगा, है ना, यही जो है राष्ट्रपति के बारे में है ना, ये शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है, कार्यकाल है ना, रिलेक्शन है, आपका योग्यता है, ये आपका क्या शर्तें हैं, ये शपथ है, महाभियोग है, ये आपका जो है वैकेंसी है, यही 62 से लेकर 62 तक ले जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया।